हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि फ्रांस की तरफ से आ रही है। जैसा कि मैंने आपको कल एक ऑफर के बारे में बताया हुआ था कि यानी कि फ्रांस की तरफ से जो ऑफर्स आए हुए हैं 36 रफाल और 6 टैंकर्स और साथ ही साथ 100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स जो कि पैंथर हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं, तो फ्रांस ने इस ऑफर को क्लेरिफाई किया हुआ है। यहाँ पर रफाल का जो F4 वेरिएंट है उसको फ्रांस ने दोबारा से ऑफर किया है। साथ ही साथ इसको ऑफर करने के बाद रफाल के अलावा जो रफाल का मरीन वर्जन है उसको भी यहाँ पर ऑफर किया गया है, यानी कि रफाल M को भी ऑफर किया गया है फ्रांस की तरफ से। यानी कि 36+36 ऑलमोस्ट 72 एयरक्राफ्ट्स को ऑफर किया गया है, यानी कि 36 एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के लिए होने वाले हैं और 36 एयरक्राफ्ट्स और जो कि इंडियन नेवी के होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन नेवी को रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडियन नेवी के लिए टेडबैफ आ जाएगा और 2032 से 2035 तक आराम से जो MiG-29 केस हैं वो इजिली वहाँ पर रिटायर होते रहेंगे, क्योंकि MiG-29 केस भी अपग्रेडेड हैं और इजिली 2030 के बाद तक उनके एयरफ्रेम्स में पावर रहेगी कि वो चल सके। और साथ ही साथ जो नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं MiG-29 उसको भी हम चाहें तो मॉडिफाई करा के यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि एमका की तरफ से आ रही है। तो ADA के डायरेक्टर इन चीफ ने एमका के बारे में कुछ चीज़ें क्लेरिफाई की हैं, यानी कि एमका का जो DSI कॉन्फ़िगरेशन है उन सारी चीज़ों को फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि 3D DSI कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। इसके अलावा एमका के जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, यानी कि 2024 में ही इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है यानी कि तेजस मार्क 2 के करीबन एक साल के बाद इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने टेडबैफ के बारे में भी बात कही है कि टेडबैफ का जो प्रोटोटाइप है वो 2025 में आ जाएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं और एमका की जो मेटल कटिंग है वो अगले साल तक से शुरू कर दी जाएगी, यानी कि 2022 में एमका की मेटल कटिंग शुरू कर दी जाएगी और बहुत ही जल्द इसका जो कंप्लीट मॉडल है वो यहाँ पे शोकेस किया जाना है, मतलब कि जो फुल स्केल मॉडल होता है वो शोकेस किया जाएगा, जहाँ पे स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को चेक करने की बात कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तेजस मार्क 2 की भी जो मेटल कटिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही साथ जो भी टेस्ट किए जाने वो सारी चीज़ें कर ली जाएंगी बहुत ही जल्द। उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि हमने कनाड्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है इंडियन फाइटर जेट्स पे, यानी कि इंडिजिनस फाइटर जेट पे, और उसके अलावा DSI जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एमका में, और उसके बाद जब टेडबैफ आएगा तो दोनों ही फीचर्स टेडबैफ में रहने वाले हैं, यानी कि कनाड्स और साथ ही साथ जो DSI इनटेक है ये दोनों ही होने वाला है, यानी कि ये दोनों ही काफ़ी नए हैं इंडियन इंडस्ट्री के लिए, यानी कि इंडियन जिस तरीके से आप देखोगे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लेके, यानी कि तेजस में ये दोनों ही टेक्नोलॉजी नहीं थी और साथ ही साथ सूद और DMKI में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि DSI इनटेक नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें तेजस में तो आएंगी, मतलब कि आप कह सकते हो लेवल बाय लेवल चल रहा है, यानी कि फर्स्ट लेवल में तेजस आएगा और उसके बाद एमका आएगा और उसके बाद टेडबैफ आने वाला है। मोस्ट पॉसिबल अगर आप चीज़ों को देखोगे AMCA और टेडबैफ में, यानी कि टेडबैफ और एमका का कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे फ्यूसलास को लेके, विंग्स को लेके, पेलोड्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं उन दोनों ही एयरक्राफ्ट में। लेकिन यहाँ पर टेडबैफ एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और एमका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। एक सिंपल सजेशन है, क्यों ना हम टेडबैफ को भी पूरी तरीके से स्टेल्थ बनाएं और उसको भी एमका के लेवल का एयरक्राफ्ट बनाएं। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि थैलेस की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा जब इंडिया ने 36 रफाल खरीदे थे और इस बार जो रफाल का ऑफर आया हुआ है यहाँ पे, तो रफाल के F4 वर्जन का ऑफर आया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मीटियोर का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको भी यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे थैलेस ने भी एक ऑफर दिया है कि मेक इन इंडिया के थ्रू उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से जिन प्रोडक्ट को अगर इंडियन एयरफोर्स या फिर आर्मी या फिर नेवी खरीदती है, जैसे कि आप कह सकते हो पॉड्स हो गए या यानी कि लाइटनिंग पॉड्स हो गए इनके, अगर ये सारी चीज़ें इंडियन एयरफोर्स खरीदती है तो इसको मेक इन इंडिया के थ्रू पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसको पूरी तरीके से शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही साथ अगर इसके बड़े नंबर्स में ऑर्डर आते हैं, यानी कि 36 के अलावा जितने रफाल्स लिए जाएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में ऑर्डर आते हैं, तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को भी वो देने के लिए तैयार है, यानी कि फ्रांस पूरी टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार है स्टेलियस पॉड का। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें जो अगर आर्मी के लिए खरीदी जाएंगी या फिर नेवी के लिए खरीदी जाएंगी अगर वो लार्ज क्वांटिटी में आती हैं, मोस्ट पॉसिबल है कि उन सारी टेक्नोलॉजी को जो थैलेस है वो इंडिया में शिफ्ट करने के लिए तैयार होने वाला है और ये सारी चीज़ें शोकेस की जाएंगी इस साल के एयरो इंडिया 2021 में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ तेजस स्पॉट किए गए हैं, यानी कि हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि इस साल के मार्च के पहले पहले तक 5 तेजस डिलीवर कर दिए जाएंगे, जहाँ पे 2 तेजस हमारे पास ऑलरेडी हैं, यानी कि 2 तेजस हमारे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाडन में शामिल हैं, लेकिन 5 और तेजस दे दिए जाएंगे, जहाँ पे 8 का ऑर्डर था और साथ ही साथ 7 मिलने वाले हैं, यानी कि टोटल एयरक्राफ्ट 7 हो जाएंगे, जिसमें से अभी 3 तेजस को स्पॉट किया गया है जो कि ऑलमोस्ट रेडी हैं डिलीवरी के लिए, जिनकी जो फाइनल टेस्टिंग हो रही है वो यहाँ पे हो रही है और उसके बाद बहुत ही जल्द इसको इंडियन एयरफोर्स को फॉर्मली दे दिया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि इसको फरवरी के स्टार्ट में या फरवरी के स्टार्ट वीक या फिर मिड वीक में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, जहाँ पे स्क्वाड्रन की संख्या टोटल 5 हो जाएगी और उसके बाद मार्च से पहले पहले यहाँ 2 और एयरक्राफ्ट दे दिए जाएंगे, तो टोटल 5 और 2 पहले के 7 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे।
बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे चाइना की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं। तो चाइना ने यहाँ पे 600 से ज़्यादा विलेजेस को बनाने का प्लान कर लिया है, यानी कि डिफेंसिव विलेजेस को बनाने का प्लान कर लिया है। जो विलेजेस में मोस्ट पॉसिबल है कि आर्मी के पर्सनल्स रहेंगे या फिर अगर लोग भी रहते हैं तो एट देन आप आम लोगों पर आर्टली गन्स और साथ ही साथ मिसाइल्स को नहीं यूज़ कर सकते। एट द इन चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो पड़ोसी में जो देश हैं उनके पास जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है वो तो नहीं है, लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस की जो भी चीज़ें हैं अगर आप देखोगे पास्ट को भी, तो इंडियन आर्म फोर्सेस कभी भी नॉर्मल पीपल या फिर आप कह सकते हो जितने भी नॉर्मल पब्लिक होती है इन पर ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकती। तो इस चीज़ का एज लेते हुए चाइना यहाँ पर गाँव बनाने जा रहा है, यानी कि विलेजेस बनाने जा रहा है। करीबन 600 विलेजेस का प्लान है चाइना का, जो कि बॉर्डर एरियाज़ में बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में हो गए, लद्दाख में हो गए, तिब्बत में हो गए, इन सभी जगहों पर बनाएंगे। इंडिया और तिब्बत का, यानी अक्साई भारत और साथ ही साथ तिब्बत का जो बॉर्डर मिलता है, यहां पे चाइना विलेजेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया इस चीज में पीछे है, यानी कि इंडिया को भी जो हमारे कारगिल है और बाकी जितने भी एरियाज हैं वहां पे विलेजेस बनाने की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ विलेजेस बनाने चाहिए या फिर नहीं? तो आज के वीडियो को इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।